अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना आमिर, किचन विद सना आमिर के साथ ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड रोल। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ब्रेड के स्लाइस चाहिए हमें 5 अदद, चिकन लिए हमने 1 कप, क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ की हमने शिमला मिर्च ली है, इसको भी क्यूब की शेप में कट कर लिया है, 2 अंडे लिए हैं, दूध लिए 3 टेबल स्पून, ऑयल लिए 2 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसके अलावा हमने लिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून हमने दही लिया है, मायोनीज लिया 1/2 कप, चाट मसाला लिया 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हमने लिए काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिए कुटी मिर्चें, सॉल्ट लिया 1/4 टीस्पून, इसके अलावा फूड कलर लिया हमें थोड़ा सा चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चिकन डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ताकि चिकन अच्छे से पानी छोड़ दे, उसके बाद हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। चिकन हमारा हो गया, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जो जो हमने लिए हैं। मिर्चा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और जब ये अच्छे से बन जाए तो आप इसका, अभी फिलिंग जब रेडी हो रही है अभी, तो आप इसका सॉल्ट चेक कर लीजिएगा, दही भी डाल देंगे, अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। बाद लोग तेज़ नमक खाते हैं, बाद लोग कम खाते हैं। अब ये डाल के हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल 1 चुटकी बस। अब इसको जब तक हम चूल्हे पर रखेंगे 5 से 10 मिनट, जब चिकन अपना पानी छोड़ दे और ये अच्छे से हमारा शिमला मिर्च और चिकन जो है गल जाए। अब यहाँ हम 2 अंडे हमने फेंटेंगे, और इसमें थोड़ा सा दूध जो मैंने आपको बताया था उसे ऐड करेंगे, और अच्छे से इसको फेंट के एक साइड में रख देंगे। ये हमारा अच्छे से फिट गया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम अपने सब ब्रेड के स्लाइसेस, इनको चारों तरफ से इनके किनारे कट कर देंगे, ये करके रख लेते हैं जब तक हमारा वहाँ पर चिकन रेडी हो रहा है। ये हम काम करके रख लेंगे, इस तरह सबके हम किनारे कट कर देंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई, हमने इसको निकाल लिया है। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और यूँ रखेंगे, इनके किनारे कट कर चुके हैं हम। अब इनको ये बेलन से हल्के हल्के से प्रेस करेंगे, ये देखें। इसके बाद इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे और अपनी स्टफिंग डालेंगे। अब हम स्लाइस लेंगे, इस पर मायोनीज लगाएंगे, ये देखें। ये लग गया हमारा मायोनीज। अब इसमें हम ये स्टफिंग डालेंगे सेंटर में, जितनी आपको रखनी हो हिसाब से थोड़ी सी, और इसको हम रोल करेंगे। स्टफिंग डाल दी हमने, अब हम इसको रोल करेंगे, ये देखें ये, और यहाँ से ये इसके किनारे हम प्रेस कर देंगे। ये हमारा रोल रेडी हो गया, इसी तरह हम सब रोल रेडी करके आपको दिखाते हैं। हमारे ब्रेड रोल सब रेडी हो गए, अब हम इसको अंडे के मिक्सर में डिप करेंगे, निकालेंगे, ब्रेड क्रम्स से इसको कोट करेंगे यूँ करके, और इन सबको ये देखें, ये सब साइड में रखते जाएंगे। दोबारा एक उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे से, और इनको साइड में रखेंगे। मैंने ऑयल गरम पे रखा हुआ है, बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें रोल को फ्राई करने के लिए डाल लें, बस गोल्डन ब्राउन चाहिए हमें ये।
क्योंकि फिलिंग तो हमारी वैसी बनी हुई है। बस बिस्मिल्लाह, ये हमने सब अपने रोल डाल दिए हैं। बस गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें हमारे रोल माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इनको आप चाहें तो शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, कोई मेहमान आए या रमज़ान में, ये बहुत अच्छे रहते हैं, बनाने में भी इजी हैं सब। आप इसकी फिलिंग में चाहे तो अपनी दूसरी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो आपके घर में, बच्चों को बड़ों को, वो भी ले सकते हैं। ये देखें ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे रोल फ्राई हो रहे हैं। डबल रोटी वैसे भी अक्सर घरों में बच जाती है एक्स्ट्रा, तो आप इसका कर सकते हैं। अगर आपने चिकन टिक्का बनाया है किसी वक्त कुछ बचा हुआ रखा है तो उसकी फिलिंग भी अंदर डाल के आप कर सकते हैं। कैचअप का आप इसके, मैंने इसके ऊपर मायोनीज लगाया, आप कैचअप भी लगा सकते हैं अंदर। तो काफ़ी वैरायटी अगर आप इसको बनाना चाहें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ये आपसे बन जाएंगे। बस ये हमारा दूसरी साइड से भी गोल्डन होगा, 3 से 4 मिनट में हो जाएगा गोल्डन, तो हम फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखें ये अच्छे से हमारे रोल रेडी हो रहे हैं। देखिए कितना अच्छा इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है, बहुत ही। ये देखिए हमारे रोल रेडी हो गए, अब हम इनको निकालेंगे। ये देखें इनको हम निकाल लें। बस अब हम आपको ये सर्व करके दिखाते हैं। चिकन ब्रेड रोल रेडी हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।